स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज 10.3 रनिंग, और हम P4 और P7 प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, हमने जो है लोअर लिमिट जीरो वाले क्वेश्चंस जो P4 और P7 पे बेस्ड है वो अपन कल कर रहे थे। तो मैंने जो लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था वो था 11th क्वेश्चन, ठीक है। और आपसे मैंने कहा था कि लोअर लिमिट जीरो वाले क्वेश्चन जो आप ट्राई करें, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताएं। फिर भी मैं भी ले रहा हूं अपने हिसाब से। देखें आप, क्वेश्चन नंबर 15 लोअर लिमिट वाला है, जीरो वाला है, बट ये आपको खुद को ही करना है। और ये क्वेश्चन जो मैंने पैटर्न में 8 क्वेश्चन लिखाए थे ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा ही है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करा रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ही ले लेते हैं चलो अपन। और ध्यान से देखें आप, जो क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं आज वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, और उसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की भी जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 14, 0 to π/2 log sin 2x dx, 0 to π/2 log sin 2x dx। इसमें आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखेंगे आप, ये पार्ट हमारा काफी क्वेश्चंस में बनेगा ऐसा, ठीक है। ये जो साइन के आगे जो एंगल आ रहा है ये 2x आ रहा है आपका, ठीक है। तो आप इसको एक बार के लिए x बनाने का प्रयास करोगे, 2x को क्या बनाओगे, x, log sin x जैसा हम बनाना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। अब 2x को हम x तो मान नहीं सकते, लेकिन 2x को t तो माना ही जा सकता है। तो let 2x is equal to t, तो ये आ जाएगा dx is equal to 1/2 dt। जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो लिमिट को भी टी में कन्वर्ट करते हो। तो x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू 0, और x इक्वल्स टू π/2 देन t इक्वल्स टू π, ठीक है। ये आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी। अभी क्या हो जाएगा क्वेश्चन, आप देखो लिमिट तो इसकी हो जाएगी 0 से π, ये हो जाएगा log sin t, और dx के प्लेस में आ जाएगा 1/2 dt, ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा t में कन्वर्ट हो गया, हम इसको वापस x में कन्वर्ट करना चाहें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताई थी p1 हमने, कि हम उसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं p1 प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो अकॉर्डिंग टू p1 क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू p1 a टू b f of x dx जो है उसका वेरिएबल भी चेंज हो सकता है। तो वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, तो x में ले आओ वापस क्वेश्चन को, 1/2 0 to π log sin x dx, ठीक है। अब आप, हमने ये इतना काम कर लिया, अब आप केवल और केवल इस पार्ट को ध्यान में रखो। इस पार्ट की लोअर लिमिट 0 है, तो आपको प्रॉपर्टी या तो P4 लगेगी या फिर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, P7 लगेगी, ठीक है। वो हम यहां से भी चेक कर सकते थे, लेकिन ये इतना करने से थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ये अप्लाई कर दिया। बाकी आप इस स्टेप को याद भी कर लें, इसी एक्सरसाइज के 4-5 क्वेश्चन में ऐसा बनेगा, ठीक है। हाँ जी, तो P4 या P7 लगेगी, हमको कैसे पता लगता है, हम f of a minus x की वैल्यू निकालते हैं। मेरे साथ रहिएगा नहीं तो बात समझ नहीं आएगी आपको, ठीक है। कल मैंने करा दिया है क्वेश्चन, f of a minus x का मतलब यहां आप क्या लगाओगे, pi minus x, तो आप वर्बली देख लो क्या बनेगा, log sin pi minus x, sin pi minus x तो sin x ही होता है, तो वापस f of x आ गया। तो जब f of a minus x की वैल्यू वापस f of x आ जाती है, तो P7 प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट लगता है, इज इट क्लियर। तो P7 प्रॉपर्टी में हमको शो करना होता है सब कुछ, भाई एफ एक्स आया है तो बताओ आप। तो आपने यहां लिखा कि भाई एफ ऑफ एक्स इज
log sin x, ठीक है, f of pi minus x is log sin pi minus x log sin x, ठीक है, यानी कि f of pi minus x की वैल्यू क्या होगी भी, f of x होगी। तो यहां हमको पता लगा प्रॉपर्टी नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू P7 फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज दैट, 0 टू a f of x dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई में 2 आ जाता है, अपर लिमिट हाफ हो जाती है। ये ना प्रॉपर्टी, वो कब हो जाता है ऐसा, जब f of a minus x की वैल्यू f of x आई हुई होती है, जो कि आई हुई है हमारी। तो हमने इसमें प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, है ना, तो अपर लिमिट तो इसकी हाफ कर दो, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, अपर लिमिट अपन इसकी हाफ कर देंगे, और ये 1 बाय 2 पहले से और मल्टीप्लाई में 2 आएगा, log sin x dx ये कैंसिल हो गया, 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx यहां तक पहुंच गए अपन, है ना, देखते जाना बात। भाई हमने क्या करा, पहले थोड़ा ये चेंज करा, यहां तक आने के बाद मैंने चेक करी प्रॉपर्टी, पता लगा P7 का फर्स्ट पार्ट हमने अप्लाई करके यहां पहुंच, बट स्टिल हम कोई आंसर पे नहीं पहुंच रहे, अभी भी लोअर लिमिट 0 कायम है और इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ठीक है, लोअर लिमिट 0 कायम है। तो फिर हम एक बार फिर से चेक करेंगे कि P4 प्रॉपर्टी लगेगी या फिर P7 प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, तो फिर से चेक करेंगे। तो अगेन आप यहां पे x की जगह पे a माइनस x लगाओ, तो वर्बली आप देखो क्या हो रहा है, log sin pi by 2 minus x, तो cos x बन रहा है, log cos x बन जाएगा, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है log cos x, क्या वो fx के जैसा है, नहीं, क्या माइनस fx के जैसा है, नहीं, तो इन दो के अलावा तीसरा कोई भी रिजल्ट आ रहा होता है तो हम p4 प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं ना, तो यहां p4 प्रॉपर्टी लगेगी, तो यहां लिखोगे फिर P4 प्रॉपर्टी में कुछ इसकी तरह शो करना नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू P4 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, ये करना होता है बस, बस यहां लगा दो आप, a माइनस x यानी पाई बाय 2 माइनस, अब मैंने आपसे क्या कहा था, whenever we apply property number 4, we add both the equations, तो हम इन दोनों equations को add करते हैं, equation number 1 added with equation number 2, i plus i 2i, 0 to pi by 2, okay, this function plus this function, log sin x plus log cos x, तो log m plus log n लगा लिया जाए तो log m into n हो जाएगा, ठीक है, log m plus log n लगा लिया हमने तो log m into n हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहां sin x cos x है, अगर मैं यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो log sin 2x हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 2i is equal to 0 to pi by 2 log, यहां मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो sin 2x बन गया, और मल्टीप्लाई किया तो मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब एक काम करो, इस अपॉन वाले 2 को निकालो यहां से, log m इसको अलग इंटीग्रेशन में लिखो, माइनस 0 to pi by 2 log, now you can see that ये जो है वही पार्ट है जो क्वेश्चन में दिया गया, 0 to pi by 2 log sin 2x, तो ये अब क्वेश्चंस ऐसे आएंगे
जिनमें हम लास्ट तक इंटीग्रेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसा पार्ट रिपीट हो जाएगा, तो उसको हम आई कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो टू आई इज इक्वल टू, ये आई हो गया अभी, माइनस लॉग टू तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो अंदर वन रहा, वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स, और लिमिट उसकी है जीरो से पाई बाई टू। ये इधर जाएगा तो टू आई माइनस आई आई हो गया, माइनस यहां से क्या आएगा पाई बाई टू लॉग, दिस इज द आंसर। और चाहे तो यहां से माइनस हटा सकते हैं, पाई बाई टू लॉग वन बाई, माइनस हटाते हैं तो लॉग के अंदर की वैल्यू उल्टी हो जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन को आप जो है ढंग से समझ लें, इसकी एक एक स्टेप मतलब आपको समझ तो आनी चाहिए और साथ में याद हो जानी चाहिए इसकी एक एक स्टेप, क्योंकि ये चीज अभी आप देखोगे आगे की क्वेश्चन में रिपीट होगी बार बार, तीन चार क्वेश्चन में ये पूरा पोर्शन हमको करना पड़ेगा जो मैंने आपको यहाँ समझाया। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसको आप आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन को रिवाइंड करके वापस समझे, ठीक है, और कोशिश करें घर पे बिना देखे आप इसको कर पाए। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को तो मैं इरेज करता हूँ, ये सारी स्टेप्स आप याद कर लेना आईएलबी क्वेश्चन से। अभी दिखाता हूँ, कुछ और क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पता भी लग जाएगा। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया है, लोअर लिमिट जीरो वाले क्वेश्चन पर ले रहे, तो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है इसमें। ठीक है, देखें आप थोड़ा लॉन्ग भी है तो इधर से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई लॉग वन माइनस cos x dx, एक बार देख लेते हैं कैमरे की स्क्रीन में आ रहा है इधर, हाँ जी आ रहा है। ठीक है, देखो हाँ जी लोअर लिमिट जीरो है तो आपका क्या काम होगा कि P4 या P7 दोनों में से एक प्रॉपर्टी लगेगी, उसके लिए आप x के प्लेस में a माइनस x लगा के देखोगे क्या होगा। तो वर्बली आप देख लो एक बार, यहां आपने पाई माइनस x लगाया तो cos पाई माइनस x क्या होता है माइनस cos x, तो इसको प्लस बना देगा ये, तो log 1 प्लस cos x आएगा अगर आप x की जगह पाई माइनस x लगा रहे हो। तो log 1 प्लस cos x न तो f ऑफ x के जैसा है न माइनस f ऑफ x के जैसा है, तो दोनों रिजल्ट नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी P4, P4 प्रॉपर्टी हमको पता लग गया लगेगी, तो यहां आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू P4 जीरो टू ए प्रॉपर्टी लिखनी होती है यहां पे, ये अप्लाई करो इसको जीरो टू पाई लॉग 1 माइनस कॉस पाई माइनस एक्स 0 टू पाई लॉग 1, ये हो गया प्लस कॉस एक्स। ठीक है, हो गया। अब व्हेनेवर वी अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 4, बहुत बार बोल चुका हूं मैं, वी ऐड बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, तो यहां हमने लिखा इक्वेशन नंबर 1 एडेड विद इक्वेशन नंबर 2, देन i प्लस i इज इक्वल टू 2i 0 टू पाई। ठीक, लॉग m प्लस लॉग n, भाई इन दोनों फंक्शन को ऐड करोगे तो लॉग m इनटू n हो जाए 1 प्लस cos x इनटू 1 माइनस m इनटू n, लॉग m प्लस लॉग n हुआ ना, तो यह ये m a प्लस b इंटू ए माइनस बी बन रहा है, ये
क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है। 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 पाई, सॉरी पाई बाय 2, पाई बाय 2 था पाई था, ये पाई चल रहा था, तो ये हो गया लॉग साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां लॉग एम की पावर एन बन रहा है, एन आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2i 20 टू पाई लॉग साइन एक्स डीएक्स, ये 2 से 2 कट गया और ये बच गया आपका 0 टू पाई log sin x dx। अब ये स्टेप आप जाके देखना, अभी इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया 14, उस प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये स्टेप बनी थी, ठीक है, वो चीज जो वहां हुई है वही यहां होगी, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। लेकिन अब आपने इतना पार्ट कर लिया, पीछे वाले को भूल जाओ, आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेट तो हुआ नहीं है ना, ये लोअर लिमिट 0 कायम और इंटीग्रेशन अभी हुआ नहीं, तो लोअर लिमिट 0 तो तुरंत क्लिक होगा कि भाई P4 या P7, एक बार फिर से बार बार, दो बार, तीन बार, चार बार चेक करना पड़ सकता है। तो कैसे होगा, यहाँ x के प्लेस में आप क्या लगाओगे भाई, पाई माइनस x, तो वर्बली मुखी की देखो आप, log sin पाई माइनस x, sin पाई माइनस x की वैल्यू sin x आएगी वापस, तो log sin x, यानी वापस क्या मिल रहा है आपको, f(x) मिल रहा है वापस, है ना, इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, P7 का फर्स्ट पार्ट, और जब P7 का फर्स्ट पार्ट लगता है तो शो करना होता है कि भाई एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, तो पता तो लग ही गया। अब इसको लिखने का तरीका, वेन एवर P7 लगेगी तो आपको यहाँ शो करना पड़ेगा कि भाई ये एफ ऑफ एक्स है, और हम जो है एफ ऑफ ए माइनस एक्स निकाल रहे हैं, f of a minus x की वैल्यू f of x आ गई, then according to P7 first part 0 to a f of x dx जो है उसकी अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, कब हो जाता है ऐसा, f जब f of a minus x की वैल्यू f of x i होती है, जो कि i भी है हमारी, तो इसमें अप्लाई करना है, तो i इज इक्वल टू अपर लिमिट हाफ हो गई है मल्टीप्लाई में 2 आ गया log sin x dx, ये आ गया। देखो अपन ने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, अप्लाई करने के बाद स्टेप ये आ गया, बट स्टिल इंटीग्रेशन नहीं हो गया इसका, अभी भी लोअर लिमिट 0 कायम है, अगेन एक बार चेक करोगे कि P4 लगेगी या फिर P7 लगेगी, ठीक है, तो अब अगेन चेक करोगे तो अगली बार यहाँ x की जगह आप क्या लगाओगे, पाई बाय 2 माइनस x, तो साइन पाई बाय 2 माइनस x तो cos x बन जाएगा, यानी कि log cos x आ जाएगा, तो log cos x न तो fx है न माइनस fx है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, P4 होगी, है ना, तो अब P4 लगाएंगे, एक काम करेंगे यहाँ इक्वेशन नंबर 1 ये इसमें P4 लगानी है, तो यहां आपने लिखा अकॉर्डिंग टू P4, अब ये प्रॉपर्टी यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि P4 प्रॉपर्टी हम यहां मेंशन कर चुके हैं, तो ये होती है, आप तो अप्लाई कर दो, अप्लाई कैसे होती है, P4 x की जगह a माइनस x लगा देते हैं, log sin ये ऐसे आ जाता है, ठीक है, अब ये log cos x बन रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हर एक स्टेप में आपका ध्यान होना जरूरी है। I is equal to 2 0 to pi by 2 log cos x, तो हमने इसमें अप्लाई करी थी और ये स्टेप आ गई, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर दो यार, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3 I plus I is equal to 2I, ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे ना आप, इसको और इसको, तो 2 तो आ गया कॉमन, ऐड किया तो
जीरो से पाई बाय टू। अब लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इन टू एन, तो लॉग ये सब स्टेप आई भी है पिछले क्वेश्चन में, आप जाके देख सकते हो, मैं तो रिपीट कर रहा हूं। अब ये आया था तो मैंने इसको क्या बनाया था, साइन टू एक्स बनाया था। अच्छा जी, ये टू से टू कैंसिल हो गया, लॉग साइन टू एक्स अपॉन थ्री। अब लॉग एम अपॉन एन, ये लॉग एम, इसका इंटीग्रेशन अलग, और ये लॉग लॉग एन, इसका इंटीग्रेशन अलग। ठीक है, चलो जी, इसका तो हो ही जाएगा, एक्स आएगा लॉग टू बार आ गया, वन का एक्स लगाएंगे तो पाई बाई टू लॉग टू हो गया ये। इसको एक काम हुआ, अच्छा उसमें तो क्या हुआ था, ये वाला पार्ट आई बन रहा था, इसमें ये आई नहीं है क्योंकि आई तो कहीं पे लॉग साइन टू एक्स था ही नहीं, तो इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप एक बार के लिए आई वन मान लो, माइनस पाई बाई टू लॉग। ठीक है, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, फोर। अब I1 को सॉल्व करो, ये I1 जो क्वेश्चन नंबर 14 था आपका वो ये था, तो वहां से जो इसकी शुरुआती स्टेप्स है ना वो लागू हो जाएगी। हाँ याद करो, 14 क्वेश्चन का स्टार्टिंग में क्या किया था, मैंने 2x 14 माना था, लेट 2x इज इक्वल टू d, dx is equal to 1 by 2 dt, limit change कर लो, x equals to 0, then t equals to 0, x equals to pi by 2, then t equals to pi, है ना? तो I1 is equal to, ध्यान दें, limit होगी 0 से pi, ये हो गया log sin t, और dx के place में आ गया 1 by 2 dt। अब ये question t में चला गया, तो p1 की help से According to P1 क्या होगा, इसको x में बदल लो आप, 1 by 2 0 to pi log sin x dx, is it clear? अब इसको देखो ध्यान से, और इसको देखो, देखो क्या ये दोनों सेम है, क्या वहां भी 0 to pi log sin x है और यहां भी 0 to pi log sin x, तो जो वो वैल्यू है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, i लिख सकता हूं, I1 is equal to 1 by 2 I। ठीक है, ये I1 की वैल्यू यहां लगा दो, तो putting the value of I1 in equation number 4, तो यहां लगाओगे ना आप, तो I is equal to 1 by 2 I minus pi by 2 log, तो ये इधर जाएगा तो 1 by 2 I आ जाएगा, I by 2 minus का pi by 2 log 2, ये कैंसिल हो गया, आंसर आ गया minus pi log 2। ये लो जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में सारी स्टेप्स वही है जो क्वेश्चन नंबर 14 में थी, बस रिपीट हुई है, लेकिन आपको थोड़ी इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार चीजें याद हो जानी थी, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको शुरू से लेकर लास्ट तक साथ रहना पड़ेगा, एक एक स्टेप से बताई जा रही है। ठीक है, और अभी क्वेश्चन आप देखोगे, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है जो बिल्कुल डिटो ऐसा ही है, उसका आंसर भी यही आएगा, दैट इज एग्जांपल नंबर 21। ठीक है, एग्जांपल नंबर 21 बिल्कुल डिटो ऐसा है, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको खुद से करना है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो रिवाइंड करके एक बार चीजों को धीरे धीरे जो है समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है, या तो ये या इसमें बेस्ट कोई क्वेश्चन। ओके,
After question number 16, you move to question number 18. Lower limit 0 is then I is equal to 0 to pi x upon 1 plus sin x. ये आपका क्वेश्चन है, इसकी लोअर लिमिट भी क्या है, जीरो है ना, तो वही करना है आपको। हालांकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है 9.6 में जाके देखना, 9 चैप्टर की मिसेलनेस में जाके देखना, तो विदाउट प्रॉपर्टी भी ये हो जाएगा। अपन ने कर रखा है ये विदाउट प्रॉपर्टी पहले, तो विदाउट प्रॉपर्टी जैसे आपको पहले करा रखा है, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करके स्टार्ट करोगे, यू टू भी बनेगा अलग अलग। यहाँ प्रॉपर्टी का यूज करें एक बार तो क्या होगा, लगाओ देखें यहाँ पाई माइनस एक्स, तो ये सीधा सा दिख रहा है भाई, ये तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स आ जाएगा, बट यहाँ तो पाई माइनस एक्स ही रहेगा, तो ये न तो एफ एक्स बनेगा न माइनस एफ एक्स, पी फोर प्रॉपर्टी लग गई। अकॉर्डिंग टू पी फोर जीरो टू पाई, यहां पाई माइनस एक्स हमने लगा दिया, पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। एंड व्हेनेवर वी अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर फोर वी ऐड बोथ द इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर वन एडेड विद इक्वेशन नंबर टू। अब देखो इस फंक्शन को और इस फंक्शन को ऐड करोगे तो इनका हर यानी कि डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो x प्लस पाई माइनस एक्स यानी कि क्या रह जाएगा पाई। अब यहां से कांस्टेंट तो आपका बाहर निकाल लो पाई, और ये टू भी इधर भेज देता हूं, ये रह गया x रह गया यहां से। अब ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 9.1 में बताया वही 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके करना है। आई इज इक्वल टू पाई बाय 2 0 टू पाई, यहां 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई, और यहां पे भी 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई। करो सेपरेट डिवाइड, जीरो टू पाई, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो क्या हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस जीरो टू पाई साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया सेक एक्स टेन एक्स हो गया। दोनों की बेसिक इंटीग्रेशन आप जानते हैं, ये तो टेन एक्स आ जाएगा जीरो टू पाई, और ये सेक एक्स आ जाएगा जीरो टू पाई। अप्लाई कर दो लिमिट, ये आ गया टेन पाई माइनस टेन जीरो, दोनों जीरो हो जाएंगे बस, माइनस सेक पाई माइनस सेक जीरो, टेन पाई की वैल्यू जीरो, टेन जीरो की वैल्यू जीरो, ये तो हटा दो यहां से आप ले। अब सेक पाई है, सेक पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है ना, कॉस पाई की माइनस वन होती है तो सेक पाई की भी माइनस वन, तो यहां ये माइनस है, ये वाला माइनस बाहर ले लिया जैसे, तो ये माइनस वन माइनस सेक जीरो की वैल्यू वन, ये माइनस टू हो गया, तो ये हो गया पाई बाई टू इंटू टू, माइनस टू ये माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका पाई, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। और जैसा मैंने कहा अगर आप प्रॉपर्टी का यूज नहीं करते हो तो भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो विदाउट प्रॉपर्टी के यूज के, उसमें आप स्टार्टिंग से ही 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, फिर वहां का ही लेंथ होएगा 1 माइनस साइन एक्स से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।